हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सो गाइस, मैं हूं हिमांशु जायसवाल और आप देख रहे हैं फिल्मी फंडे। सो गाइस, ये है मेरा ब्लॉग 4 और इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं द ग्लोबल विपासना पैडोरा टेंपल। ये मेनली बुद्ध भगवान का टेंपल है। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, हम हैं अभी बोरीवली स्टेशन पे और यहाँ से अब हम नीचे जाएंगे स्टेशन के बाहर और वहाँ से हमको ऑटो मिलेगी गोराई बीच के लिए। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। जा रहे हैं ऑटो से पैगोड़ा। पहले गोराई जाएंगे फिर पैगोड़ा जाएंगे। पहले गोराई जाएंगे फिर पैगोड़ा। पहले गोराई जाएंगे, कंफ्यूजन मत करें आप। ये मेरा टूरिस्ट गाइडर मेरा फ्रेंड शुभम गुप्ता, मेरा बचपन का दोस्त। हमें बोरीवली स्टेशन से लगभग 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं गोराई बीच पहुंचने में। अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं गोराई बीच पर और अब हम जाएंगे अंदर टिकट लेने के लिए। मचा रहे लिए पब्लिक। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए पैडोरा टेंपल के लिए। यहाँ पर पर्सन का शिप से रिटर्न टिकट है 50 रुपीज़। हम दो लोग हैं, हम और शुभम। सो मैंने 100 रुपीज़ दिया है रिटर्न टिकट, वो भी शिप से पैरोरा टेंपल के लिए। गाइस, ये है वो टिकट, अब देख लीजिए ध्यान से। सो गाइस, ये है हमारा गोराई बीच और यहाँ से हमें इस शिप से जाना है पैडोरा टेंपल पे। तो चलिए अंदर बैठते हैं, मैं आपको शिप का पूरा आउटलुक दिखा देता हूँ अच्छे से। गाइस, वो दूर से हमें दिख रहा है पैडोरा टेंपल, बहुत ही सुंदर लगता है दूर से भी।
गाइस हम उतर चुके हैं शिप से, अब अंदर जाना है, रास्ता है अंदर पैडोरा टेम्पल के लिए। गाइस हम आ चुके हैं गेट के अंदर। यहाँ पर ढेर सारी फन पार्क हैं, जैसे कि यहाँ पर सामने ही इमेजिका भी है, यहाँ सामने वाटर किंगडम भी है, यहाँ पर बर्ड पार्क भी है। उन सब के अलग अलग रेट्स हैं, मैं उन्हें आपको अगले वीडियो या फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पैडोरा के लिए। बिल्कुल यहाँ पहले आपकी टिकट चेकिंग होंगी, तो प्लीज़ टिकट अपने ध्यान से रखिएगा। ये पार्ले जी बिस्किट खाओ, बचाओ। ये बंदा गुम हो गया है। ऐसी सुनसान गलियां होती हैं। ये रहा पकोड़ा, ये रहा, यही है पकोड़ा, ये रहा पकोड़ा। लेकिन इसके पास पहुंचने के लिए काफी टाइम लगेगा हम लोग को। बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, हाँ। बारिश भी आ रही है, वैसे इस मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और होता है। बचाएंगे, जो नहीं आएगा उसको भी लेके आएंगे। मुंबई की पब्लिक कहा बोलती, पब्लिक जो नहीं आएगा इधर उसको भी लेके आएंगे हम और मचाएंगे। भाई बारिश हो रहा है, ऐसा है, फोन अंदर रख दो। सो गाइस ये है हमारा मेन, द ग्लोबल विपासना पैगोडा टेंपल का मेन गेट। यहाँ से अंदर जाना है हमको। ये पूरी तरह से बुद्ध भगवान का मंदिर है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल चाइना का समझ लीजिए आपको फील आने वाला है वहाँ पर। गेट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी चेक की जाएगी आपको। पहुंच चुके हैं पैगोड़ा पे। भाई सो हम दिखा रहे हैं पूरा सीन आसपास का। भाई एक मिनट यार, भी आप दिखा। तो गाइस ये है पैडोरा टेंपल का मेडिटेशन हॉल।
यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा रिकॉर्डिंग आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर लगभग 800 से 900 लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत ही शांत जगह है ये। सो गाइज, अब घूमने के बाद हमारे मित्र को थोड़ा भूख लग गया है, तो यहीं पास में ही रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पर कुछ खा भी सकते हैं। फिलहाल हम तो समोसा पाव खा रहे हैं। छोटा सा गार्डन है और कुछ नहीं है, बस छोटा सा गार्डन है। अगर थक गए और चल चल के तो बैठ सकते हैं और एंजॉयमेंट कर सकते हैं और आगे चलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अंदर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फ़ोटो गैलरी, पेंटिंग गैलरी, मेडिटेशन हॉल और भी म्यूज़ियम्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। गाइस, ये यहाँ पर छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पर आपको एंटिक चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे बुद्ध भगवान से रिलेटेड चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये ढेर सारी बुक्स मिल जाएंगी आपको बुद्ध भगवान से रिलेटेड, कई तरह की की चेन्स और भी कई चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं एक बुक को देख रहा हूँ। यहाँ पर आपको बुद्ध भगवान से रिलेटेड कई सारे डीवीडी प्लेयर्स मिल जाएंगे, कैसेट्स मिल जाएंगे। सो गाइस, ये था द गोल्डन विपासना पैगोडा टेंपल। आपको इस मंदिर के बारे में या इस टेंपल के बारे में और भी कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डिस्क्रिप्शन में, या फिर मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फिल्मी फंडे, दिस इज़ हिमांशु जायसवाल। अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगे तो फिर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक यू।